गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। भारत एक ऐसा देश है जहां साधु संतों को भगवान से भी ऊपर माना जाता है। देश में कई ऐसे संत महात्मा हुए जिन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। इन्हीं में से एक महान संत हुए बाबा नीम करोली। आप सभी को मेरा प्रणाम। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्री लक्ष्मण नारायण शर्मा कैसे बने बाबा नीम करोली। बाबा नीम करोली जी का नाम पहले श्री लक्ष्मण नारायण शर्मा था। इनका जन्म सन 1900 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के अकबरपुर नामक गांव में हुआ। इनके पिताजी का नाम श्री दुर्गादास शर्मा और माताजी का नाम श्रीमती कौशल्या देवी शर्मा था। तो आइए अब हम जानते हैं कि ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ और ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके बाद श्री लक्ष्मण नारायण शर्मा बन गए बाबा नीम करोली। बाबा नीम करोली जी में काफ़ी चमत्कारिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ थीं। बाबा जी की ख्याति देश विदेश में फैली हुई है। नीम करोली बाबा जी की ट्रेन वाली कहानी काफ़ी लोकप्रिय है। इस बात का जिक्र लेखक रामदास की पुस्तक मिरेकल ऑफ लव में भी किया गया है। इस पुस्तक में ऐसा जिक्र किया गया है कि एक दिन बाबा लक्ष्मण नारायण शर्मा बिना टिकट ट्रेन में सवार हो गए थे। इस पर टीटी ने ट्रेन को रोकने और नीम करोली बाबा को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के नीम करोली गांव में ट्रेन से उतरने को कहा। बाबा को ट्रेन से उतार दिया गया। इसके बाद ट्रेन वहां से हिली ही नहीं। काफ़ी कोशिश की लेकिन ट्रेन नहीं चल सकी। जब ट्रेन से बाबा को उतार दिया गया तो ट्रेन चालू करने के कई प्रयास किए गए। इसके बाद रेलवे के अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच की तो टीटी ने पूरी बात बताई। इसके बाद बाबा को तलाश किया गया और अधिकारियों ने कहा कि बाबा को ट्रेन में सवार होने दें। इसके बाद अधिकारियों ने नीम करोली बाबा से ट्रेन में बैठने की गुहार लगाई। अधिकारियों ने जब बाबा को मनाया तो वे मान गए और हंसते हंसते ट्रेन में बैठने लगे। फिर बाबा जैसे ही बोगी में चढ़े तो ट्रेन स्टार्ट हो गई। लेकिन पायलट तब तक ट्रेन को आगे नहीं बढ़ा सका जब तक कि बाबा ने उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद नहीं दिया। बाबा ने जब आशीर्वाद दिया तो ट्रेन चल पड़ी। इसके बाद बाबा की शर्त के अनुसार रेलवे ने फर्रुखाबाद के नीम करोली गाँव में एक रेलवे स्टेशन बनवाया। बाबा कुछ समय तक नीम करोली गाँव में ही रहे और यहीं से उन्हें नीम करोली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। बाबा नीम करोली एक महान संत थे और हनुमान जी के परम भक्त थे। बाबा का कहना था कि राम नाम जाप से संसार के सभी कष्टों और सभी दुखों को दूर किया जा सकता है। राम नाम में इतनी शक्ति है।